चलिए पार्ट थर्ड में फिर से आपका वेलकम है। कल हमने जो है 10th पॉइंट जो है पेज नंबर 161 पॉइंट नंबर 10th पेज 161 यहां तक जो है अपना जो भी पूरा कंप्लीट कर लिया था बुक का, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 11 जो है मैं अभी वो लेने वाला हूँ। इसके अलावा किसी को प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में डाल दे, मैं होऊंगा तो हैंड टू हैंड मैं क्या करूंगा, आपको जो है व्हाट्सएप पे जो है ऑडियो फाइल या ऑडियो जो है रिकॉर्डिंग से मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, आगे जो है इसका ले लेंगे, ठीक है ना, कि जो किस तरह से काम करना। 11th पॉइंट जो है उसमें लिखा हुआ है द कंसेंट ऑफ द स्टेट नॉट मैंडेटरी फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। वही बता रहा है, यूनिटरी पढ़ रहे हम कि यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं, ठीक है। यूनिटी फीचर्स में अभी ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 11 जो है वो ये बता रहा है कि जब कोई भी स्टेट जो है, हमारे पास 28 स्टेट है, ठीक है ना, अब कोई भी नया स्टेट बनाना हो, न्यू स्टेट डेवलप करना हो एक दो, या स्टेट की बाउंड्री में चेंज करना हो, स्टेट की बाउंड्री में क्या करना हो, चेंज करना हो, ठीक है ना। तो ये जो केसेस है, या किसी बाउंड्री को दूसरे में शिफ्ट करना, दूसरे की बाउंड्री को अपना में लेना, स्टेट की इंडियन जो है 28 स्टेट उनमें, तब जो है आप किससे जो जिस स्टेट की चेंज कर रहे हो उसकी असेंबली से जो है इतना जो है कंसीडर नहीं किया जाता, इतना जो है पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। सेंटर जो है वो अपने हिसाब से जो है चेंजेस कर लेता है। हाँ, एक जरूर रिकमेंडेशन है कि जिस भी स्टेट में आप चेंज कर रहे हो उसकी असेंबली से जो है आपको पूछना पड़ता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो बता देते हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट के पार्ट है, आपको बताओ तो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो प्रेसिडेंट जो है किससे, असेंबली से पूछ लेते हैं कि भाई जो है आपके स्टेट के अंदर जो है इतना इतना चेंज हो रहा है, वो असेंबली में उनको जो बताना पड़ता है, बोलते हैं हाँ हम इससे एग्री करते हैं, इससे एग्री नहीं करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है, ये कोई फीडबैक जो इनका मायने नहीं रखता है। प्रेसिडेंट का काम है इनको बताना, अगर ये बोले ना तो भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एक बार डिसाइड हो गया तो हो गया है, ठीक है। ये पूछने वाला जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए कहा गया है 11th पॉइंट के अंदर कि स्टेट की बाउंड्री के अंदर कोई चेंज करना हो या कोई नया स्टेट बनाना हो तो स्टेट जब काटा जा रहा है तो जो है पर्टिकुलर स्टेट से पूछा नहीं जाता। फिर भी अभी जो किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो, मैंने आपको बताया था कि 1956 में जो फजल अली कमीशन जो बना था, ठीक है ना, उसके अंदर जब लास्ट बना था तो 14 स्टेट थे। कितने थे? 14 स्टेट थे। 14 स्टेट आज होते होते कितने हो गए? 20 स्टेट। ये कैसे हुए कि जो स्टेट था पॉपुलेशन बढ़ गई, चेंज कर दिया, या लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी तो चेंज कर दिया। इसके हिसाब से ये जो सारी पावर जो है, ये चेंज करने की जो सारी पावर्स है वो किसने अपने हाथ में रखी है? सेंटर ने अपने ही हाथ में रखी है। इसलिए कहीं कहीं ये लगता है कि इंडिया जो है वो पूरा फेडरेशन नहीं होके कहीं कहीं थोड़े इसमें यूनिटरी फीचर्स भी आ जाते हैं जो कि इंग्लैंड वगैरह में आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यही पॉइंट आपके 11th डिस्कस कर रहा है। 11th पॉइंट क्या? ये डिस्कस कर रहा है, ठीक है ना। इसको मैं एक बार जो है रीड कर देता हूं, आप मेरे साथ चलिए। कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन यूनियन कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट और इट मे रीऑर्गेनाइज द स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है। जैसे कि यूएसए में क्या होता है, मैंने आपको कल ही बताया था, यूएसए में क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट थे वो आपस में मिले और बोला हम आपस में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ गए, ठीक है। पर सेंटर अलग काम करता है, स्टेट अलग काम करता है। एज अ यूनियन वो एक कंट्री जरूर है, एज अ यूनियन वो कंट्री जरूर है, पर स्टेट और जो सेंटर है वो अलग काम करता है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। इसमें जो सिविल सर्विस होती है वो अलग होती है, सेंटर में अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सेंटर अपने में से सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करता है जैसे इंडिया में होता है। तो यूएसए में ये जो बेसिकली जो है, यूएसए में भी फेडरेशन है, इंडिया में भी फेडरेशन है, पर यूएसए से जो इंडियन फेडरेशन कहां कहां अलग है, तो इसमें जो है बार बार यूज ले रहा है यूएसए का एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब बताने वाली बात है कि भाई जैसे ये इंडिया है आपका, ठीक है ना, ठीक है। अब इंडिया है जो, ये आपका मध्य प्रदेश है और ये है आपका राजस्थान, ये गुजरात हो गया आपका, ठीक है, मान लो मैं एग्जाम्पल यही ले रहा हूं, और ये हो गया आपका यूपी। अब पॉपुलेशन बढ़ जाती है या कोई लैंग्वेज का इश्यू हो जाता है या पार्टी की डिमांड होती है या और कोई जो चेंजेस के हिसाब से, ऐसा लगता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि एक और स्टेट की जरूरत है। अगर छोटा स्टेट होगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इजीली होगा। ये स्टेट क्यों बनाए जाते हैं, कभी किसी ने सोचा है भाई ये स्टेट क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में जो है वो इजीनेस रहे, इसलिए ये बनाए जाते हैं।
अगर लगता है कि नहीं यार ये पूरा राजस्थान संभल नहीं रहा है, हम क्या करते हैं राजस्थान को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके ईस्टर्न राजस्थान, ये हो जाएगा वेस्टर्न राजस्थान। तो इससे क्या होगा, इनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग होगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग होगा, यहाँ का सीएम अलग होगा, वहां का सीएम अलग होगा। तो क्या होगा, आधे में बट गया, तो ये वाला स्टेट अलग काम करेगा, वो अलग काम करेगा, तो ज्यादा लोगों तक जो है गवर्नमेंट पहुंच सके, गवर्नमेंट की जो रीच है, जो एरिया है, वाइडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही एग्जांपल में बता रहा था कि ये चैन चार स्टेट है। अब क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट यूपी का, कुछ राजस्थान का और कुछ एमपी का, ये काट के, ये कट करके एक नया स्टेट बना दिया, एक नया स्टेट बना दिया। किसने बना दिया, सेंटर ने। ये डिसीजन कहां हुआ, पार्लियामेंट में, ये डिसीजन कहां हुआ, पार्लियामेंट। ठीक है, अब कोई पूछेगा अक्सर पार्लियामेंट में, और स्टेट से तो बिल्कुल भी नहीं पूछा, और आपने जो कहा था कि स्टेट से एक बार कहा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, भाई आपके यहाँ चेंजेस हो रहे हैं, स्टेट माने या ना माने चेंजेस तो होके रहेंगे, ऐसा नहीं। आपको पता हो तो पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर ज्यादा ही कोई इश्यू भयंकर ही होता है तो राज्यसभा जो होता है स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है, स्टेट के मेंबर भी तो वहां जाते हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान के 10 है, वो लोग क्या करेंगे वहां पे अपनी ऑब्जेक्शन करेंगे, तो उसका जो है पूरा ध्यान रखा जाएगा, बिल्कुल ही ऐसे ऑटोनोमस, मतलब बिल्कुल ही ऐसे हिटलर टाइप नहीं हो जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है, फिर भी जो है चलेगी किसकी, सेंटर की ही चलेगी। जब मेजोरिटी से पास हो जाएगा पार्लियामेंट से ये लॉ, तो एक नया स्टेट बन जाए। तो स्टेट बन गया, अब जो राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश, इनकी असेंबली को बताया जाएगा कि आपके स्टेट में से हमने कुछ कुछ पार्ट अलग करके एक नया स्टेट बना दिया, बस अब आप कुछ नहीं कर सकते। इनको भी हां भरनी होगी, अगर ये ना भी करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट है, सेंटर को लगता है कि इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन इजीली चलेगा तो वो अपना डिसीजन ले सकता है। ये कॉन्सेप्ट है पूरा आपका यूनिटरी फीचर, किस तरह से स्टेट को अलग कर सकते हैं। आई बात समझ में, चलिए चलते हैं। सच प्रोसेस मे बी डन बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, मैं बता चुका हूं। एज पर द आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टेकिंग द कंसेंट, कंसेंट मतलब कि रजामंदी जो होती है, ऑफ द कंसर्न स्टेट, कंसेंट मतलब कि जिसकी बात कर रहे हैं। फॉर दिस इज नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है आप उस स्टेट से परमिशन लो कि हम जो है आपका कटिंग कर रहे हैं या किस तरह से आपको डिवाइड कर रहे हैं। हाउएवर, देखिए फिर से सुनना, इट इज नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट दैट ही शुड गेट द ओपिनियन ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द रिकमेंडेशन इन द पार्लियामेंट। ये ड्यूटी किसकी है, प्रेसिडेंट की, कि जिस स्टेट में चेंज हो रहा है, जिस स्टेट में चेंज हो रहा हो वहां की असेंबली से जो है ये बोले, रिकमेंडेशन लें कि भाई हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है आप मंजूर है या नहीं, ठीक है। अब मंजूर है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ये फॉर्मेलिटी है, दिया हुआ जरूर है कि प्रेसिडेंट पूछता है, पर फॉर्मेलिटी। अगर मान लो ये मना कर देते हैं राजस्थान वाले, नहीं हमारा पार्ट नहीं लेना, हम तो इजीली चला लेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। प्रेसिडेंट से पूछा, आप आपको हाँ ना कर दो, ओके ना करो दो भी कोई ज्यादा नहीं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। दिस ऑब्लिगेशन इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, और जो ऑब्लिगेशन मतलब कि जो डिसीजन हुआ है, जो असेंबली ने कहा है कि भाई हाँ कर दो ना कर दो, ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है। और प्रेसिडेंट का भी हर स्टेट से पूछना भी जरूरी नहीं है, ये एक आइडियल स्टेट है, मतलब कि आइडियल एक फॉर्मेलिटी है जो प्रेसिडेंट को पूरी करनी पड़ती है जब पार्लियामेंट में ये बिल पास हो रहा होता है कि नया स्टेट बनने वाला है, ठीक है। प्रेसिडेंट के मन पे है, पहली बात तो पूछे या नहीं पूछे, अगर मान लो पूछ लिया तो स्टेट अगर बोलता है हाँ या ना, उसकी सुनने भी प्रेसिडेंट को इतना वो नहीं करता है, क्यों, क्योंकि फैसला तो पीएम और उनकी कैबिनेट ने है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ले लिया है, तो इतना कोई मायने नहीं रखता, जस्ट ये फॉर्मेलिटी के लिए। द प्रेसिडेंट मे डिसाइड द टाइम लिमिट फॉर द कंसर्न स्टेट टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न विद इन इट, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बोलते थे भाई 10 दिन के अंदर अपना फैसला सुना देना, हाँ या ना, ठीक है, आप हाँ बोलोगे तो भी ओके, ना बोलोगे तो भी ओके, कोई फर्क इतना पड़ता नहीं, स्टेट तो बनेगा। और 10 दिन, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं एग्जाम में 10 लिखा हो, 10, 14, 15 कितने भी हो सकते। दस द स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन आर नॉट इमोर्टल एज दे आर इन द यूएस। इमोर्टल मतलब कि हमेशा के लिए नहीं है, इमोर्टल मतलब कि जो अजर अमर टाइप होता है ना, भगवान जो है वो अमर है, स्टेट जो है वो इंडिया में हमेशा के लिए नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, कि कभी भी जो है सेंट्रल के अगर मन में डिसीजन हुआ तो किसी भी स्टेट को काट सकते हैं, नया स्टेट बना सकते हैं, ठीक है, तो मतलब कि परमानेंट नहीं, इमोर्टल से आप ये समझ लो परमानेंट नहीं। वैसे अगर यूएसए की बात करो, वो भी फेडरेशन है, पर वहां पे क्या है, जो स्टेट बना हुआ है वो बना हुआ है, चाहे पॉपुलेशन बढ़ जाए कुछ भी हो जाए वो स्टेट उतना ही रहेगा, उसमें कोई काट छाट नहीं कर सकता, कौन, सेंट्रल, इसलिए वो प्योरली फेडरेशन है। हमारा जो है थोड़ा सा इसमें मिक्सर आ जाता है यूनिटरी का भी कहीं, ठीक है, ये पूरा पॉइंट ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, इसको एक बार फिर से पढ़ लेना आपको समझ में आ जाए। चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 12, नो डिवीजन इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। इन द यूएसए द यूनियन एंड द स्टेट हैव देयर ओन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका की बात करें तो वहां पे जो स्टेट है
और जो सेंटर है वहां पे दोनों में जो पब्लिक सर्विस है वो अलग अलग है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि भाई जो आईएएस वगैरह होते हैं उनको सेंटर जो है स्टेट के अंदर अपॉइंट करता है। कल मैंने आपको बताया था आईएएस वगैरह को अपॉइंट किया जाता है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे, गवर्नर को अपॉइंट करे ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। वहां अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में क्या होता है स्टेट का बिल्कुल ही अलग एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वहां की सर्विसेज अलग है और सेंट्रल लेवल पे जो है वो अलग चलता है। In USA, the union and the state have their own separate administrative officers who are governed by the union and the state separately for their own affairs. But in India, there is no such division between public servant. Most of the public servants are appointed by the state, but they administrator in their state both the laws enacted by the union and the state. ठीक है, ये थोड़ी सी technical line है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। हमारे यहाँ क्या हो रहा है इंडिया में? पब्लिक सर्विस की बात करें, देखो ये कॉन्सेप्ट जो है लगता इजी है कि जो है हाँ ठीक है और किसी किसी के तो बाउंस ही हो जाता है, पर बहुत इजी है, सिंपल है, आपको समझ चाहिए, एक थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग चाहिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिनको कल समझ में नहीं आया था वो एक बार फिर से देख लो। देखो होता है क्या, ये है आपका इंडिया, ये है आपका राजस्थान। अब राजस्थान के तो राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो यहां पे भी होती है ऑल इंडिया सर्विस, यहां होती है ऑल राजस्थान सर्विस। इसका एग्जाम कौन लेता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका एग्जाम कौन लेता है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों बॉडीज अलग अलग है, ये अलग काम करती है, ये अलग काम करती है। इसमें जो जो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पे, ठीक है, तो वो होते हैं आपके सबसे पहले राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो एसडीएम होते हैं, राजस्थान पुलिस सर्विस, राजस्थान अकाउंट सर्विस, राजस्थान एक्साइज सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां से जो सिलेक्ट होते हैं वो होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो कलेक्टर होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस जो एसपी होते हैं, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस जो बाहर विदेश में लगते हैं, डिप्लोमेट जो होते हैं, फॉरेस्ट जो ये वन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इंडियन अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सी, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जैसा कि आपको बताया कि इंडिया में क्या होता है कि सेंटर और राजस्थान के बीच, सॉरी सेंटर और स्टेट के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो उसमें क्या होता है कि सेंटर क्या करता है कि अपनी जो भी पॉलिसीज होती है और एंड लॉज जो होते हैं उनको जो है स्टेट को बता देता है या पूरे इंडिया लेवल पे बता देता है, ये कानून बना है आप सबको मानना पड़ेगा, तो हम इंडियन है हमको मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कल ही आपको बताया था क्रिमिनल और सिविल लॉ जो है वो अलग अलग होते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं, ठीक है। और इनको इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, क्योंकि सेंटर जो है वो बिग या बड़ा बिग फादर टाइप जो है अपनी रोल प्ले करता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि ये जो आईएएस वगैरह होते हैं, आईपीएस वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह, ये तो बाहर रहते हैं और ये इंडिया लेवल पे अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, इनको अपॉइंट करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, ठीक है। और बोलते हैं कि जो भी लॉज वगैरह बना रहे, जो भी लॉज पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं वो आप लोग, कौन लोग? आप लोग, स्टेट गवर्नमेंट जो है जिस स्टेट में आप लगे रहो, दोनों कोऑर्डिनेशन करके आपस में इसको इंप्लीमेंट करवा देना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? इंप्लीमेंट करवा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके हो जाएगी। अब बात आती है राजस्थान की, स्टेट की बात है राजस्थान की, तो ये क्या करते हैं? देखो ये जो लोग होते हैं आईएएस आईपीएस आईएफएस आईएफएस वगैरह जो है वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट पे कमांड करते हैं। एक आईएएस जो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कलेक्टर बोलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट पे काम करेगा, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट पे, जैसे जोधपुर में कलेक्टर कितना है? एक। पर इस कलेक्टर को हेल्प करने के लिए, जोधपुर तो बहुत बड़ा है, इसको हेल्प करने के लिए क्या है, उसको कुछ अपने एक डेप्यूटी कलेक्टर भी चाहिए, तो ये कहलाते हैं आपके सब डिविजन मजिस्ट्रेट, इसको डीएम बोलते हैं, इतना टेक्निकल डीएम नहीं जाना, इसको बोलते हैं सब डिविजन, नहीं समझ में आ रहा, इसको बोलते हैं डेप्यूटी कलेक्टर और ये होते हैं मेन कलेक्टर। तो जनरली क्या होता है, एक कलेक्टर के नीचे, एक कलेक्टर के नीचे जो है आठ जो है आपके डिप्टी कलेक्टर होते हैं, मतलब कि अगर जोधपुर में एक कलेक्टर है तो उनके नीचे आठ डेप्यूटी कलेक्टर और होंगे। कहने का मतलब है जोधपुर को आठ पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसमें कहा आप लोग जो इसमें चीजें समझो, ठीक है। तो इनका क्या रोल है कि आपस में स्टेट और जो ये आईएएस वगैरह आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ये स्टेट
ये सर्विसेज वाले और ये लोग ये भी आपस में कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं ताकि क्या जो लॉज बन रहे हैं जो सेंट्रल लेवल से लॉ बन के आ रहे हैं वो क्या हो सके ग्रास रूट लेवल तक सबके पास पहुंच सके। अब कोई बात ये कहेगा तो फिर राजस्थान के जो लॉज बनेंगे वो, हाँ राजस्थान के लॉज कहां पे बनेंगे, सिर्फ स्टेट लिस्ट वाले टॉपिक पे। आपको कुछ बताया था ना स्टेट लिस्ट वाले जो टॉपिक है उस पर कानून कौन बनाएगा, राजस्थान। इसके भी कानून को इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये करेंगे आईएएस भी करेंगे आरएस भी करेंगे, हायरार्की वही चलेगी। इसकी लिस्ट जो है वो 66 सब्जेक्ट की है, ठीक है। और यूनियन वाले जो थे कानून वो किस पे बनते थे, 97 सब्जेक्ट पे बनते थे, ठीक है ना। अब ये आप करो कि 97 सब्जेक्ट की लिस्ट जो है उस पे कानून कौन बनाएगा, सेंटर। 66 पे कौन बनाएगा, जो भी स्टेट है वो। और एक कॉन्करेंट जो है जो दोनों मिक्सर के हिसाब से वो आपको बता चुका हूं वो किस तरह से काम करता है। तो ये पूरा खेल चलता है आपके पब्लिक सर्विसेज का कि किस तरह से सेंटर और स्टेट जो है आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, चलो चलते हैं। तो देखो इंडिया वाले से फिर से थर्ड लाइन में जो लिखा हुआ है फिर से वहां देखो, बट इन इंडिया देर इज नो सच डिविजन बिटवीन पब्लिक सर्वेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल के अलग है और स्टेट के अलग है, सेंट्रल वाले स्टेट में भी आके काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट, ठीक है। स्टेट के जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं सारे के सारे, मोस्ट ऑफ द टीचर्स हो गए, पटवारी हो गए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हो गए, तहसीलदार हो गए, आरएस वाले, सब ज्यादातर जो है कौन स्टेट अपॉइंट करता है। कुछ एक जो होते हैं कैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस वगैरह जो ये है ये बहुत लिमिटेड होते हैं भाई। 33 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, तो कितने होंगे 33, तो 33 को कौन अपॉइंट करता है, सेंटर अपॉइंट करता है कि आपका जो है राजस्थान कैडर है, आपका जो है गुजरात कैडर है, आपका जो है तेलंगाना कैडर है, ठीक है। बाकी जो सारे कर्मचारी है उसको कौन अपॉइंट करता है, राजस्थान करता है, ठीक है। इन द आर्टिकल 312 आपको अगर याद हो तो राज्यसभा के दो मैंने बताए थे स्पेशल पावर आर्टिकल नंबर 249 और आर्टिकल नंबर 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो नहीं बना सकते हैं कहीं भी अगर लगे तो, राज्यसभा को दो स्पेशल पावर होते हैं, ठीक है। फिर भी आगे देख लेंगे, मैं बता चुका हूं। इन आर्टिकल 312 द प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया पब्लिक सर्विसेज हैव बीन मेड बट दीज सर्विसेज आर कॉमन टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट। आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया सर्विसेज होगी और वो कॉमन होगी। कॉमन कैसे, कि वो जो लोग अपॉइंट हो गए सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी द्वारा वो क्या करेंगे, सेंट्रल लेवल के लिए काम करेंगे, कहां स्टेट्स में जाके अपने रेस्पेक्टिव जो स्टेट कैडर बनता है उनमें जाके काम करेंगे ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है। अगर ऐसा होगा राजस्थान अलग ही काम कर रहा है, इंडिया सेंट्रल अलग ही काम कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा, तो कुछ कर्मचारी जो है वो सेंट्रल भी वहां अपॉइंट करता है ताकि अपनी बात रख सके। The members of Indian Administrative Services who are appointed by the Indian Union may be engaged in any department under Indian Union. Example, Home Ministry, Defence Ministry, or they may be engaged in services under state government. ठीक है, जो IAS वगैरह होते हैं वो आपको पता हो तो डिफेंस सर्विस डिफेंस मिनिस्ट्री में भी लग सकते हैं, होम मिनिस्ट्री में लग सकते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री में लग सकते हैं, साथ ही साथ वो लोग जो है स्टेट में भी लग सकते हैं, ठीक है भाई। जो अगर डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे कि आपको बताओ तो डिफेंस मिनिस्ट्री का मेन हेडक्वार्टर कहां पे है कि दिल्ली में, तो दिल्ली में जो है आईएएस वहां पे भी लगते हैं, प्लस उनके साथ साथ उनकी पोस्टिंग जो स्टेट में भी होती है राजस्थान वगैरह अलग अलग, ताकि क्या हो सके कि कानून जो है यूनियन लिस्ट में जो लिखे हुए हैं वो भी इजिली पूरे ऑल ओवर इंडिया में आसानी से जो इंप्लीमेंट हो सके, ठीक है ना। ये बात है द सर्विसेज ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स आर ट्रांसफरेबल, ठीक है। ये सर्विस जो है ट्रांसफर, मतलब एक आदमी की पोस्टिंग जो है वो इस जिले से इस जिले या इस राज्य से इस स्टेट से दूसरे स्टेट में या इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग बीन अपॉइंटेड अंडर द इंडियन यूनियन दे एडमिनिस्ट्रेटर बोथ द लॉज इनेक्टेड बाय द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है। वही बात जो अभी कही थी, अपॉइंट किसने किया है, यूपीएससी ने ऑल सेंट्रल में अपॉइंट किया है, पर वो जो है दोनों के कानून संभालते हैं, कौन से, यूनियन लिस्ट वाले भी संभालते हैं और जिस स्टेट में वो काम कर रहे हैं उस स्टेट लिस्ट में जो कानून है वो भी जो है आपस में संभालते हैं ताकि क्या हो सके कि फ्लो में काम चल सके। नेक्स्ट क्या है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग अंडर स्टेट एंड ऑल इंडिया पब्लिक सर्वेंट मे बी डिसमिस फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द यूनियन ओनली, फिर भी अपॉइंट किसने किया था, सेंटर ने। काम कहां कर रहा है, मान लो स्टेट के अंदर, अगर उसने कोई मिसमैनेजमेंट कर दिया है, करप्शन कर दिया है, और कुछ ग्रॉस जो है वॉयलेशन कर दिया है सर्विस रूल का, तो उसको हटाने का अधिकार किसको है, ओनली जिसने अपॉइंट किया। अपॉइंट किसने किया, सेंटर को। स्टेट गवर्नमेंट कभी भी आईएएस को नहीं हटा सकती, इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल आजकल या कौन है पूरी ब्यूरोक्रेसी में, जो आईएएस वगैरह जो है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज आते हैं, जो यूपीएससी जो एग्जाम देके आते हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनको हटा कौन सकता है, सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट उनको नहीं हटा सकती। स्टेट गवर्नमेंट किसको हटा सकती है, जिन्होंने आरपीसी ने किसको चुना था, आरएस वगैरह, इनको जरूर हो सकती है, टीचर को हटा सकती है, पर इन लोगों को नहीं हटा सकती।
द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एम्पावर्ड इनफ फॉर ऑल द रिक्वायर्ड एक्शन इन दिस रिगार्ड. ठीक है, वही बात कही है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में से किसी को भी हटाए हटाए, नहीं, ये सारा पावर सेंट्रल का है. बात यही है पब्लिक सर्विस की, किस तरह अपॉइंट होते हैं, मिल बैठ के काम करते हैं ताकि क्या हो, यूनियन और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उन सबके सब्जेक्ट जो है वो इजीली चलते, कोई भी सब्जेक्ट ओवरलैप नहीं, समझे ना. ऐसा नहीं है कि कोई से अगर यूनियन में लिखा हुआ तो स्टेट में भी नहीं, अगर यूनियन में है तो वो सिर्फ यूनियन में लिखा हुआ है, फिर वो स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट में नहीं है. जैसे कि डिफेंस, डिफेंस किसका सब्जेक्ट है, यूनियन का, तो ओनली वो यूनियन लिस्ट में ही लिखा हुआ है, उस पर कानून सेंट्रल बना, वो स्टेट वाली लिस्ट में डिफेंस कहीं नहीं है. ठीक है ना. चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है टेंडेंसीज ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. ठीक है, अब आपको बताना है कि आपने अभी फेडरेशन पढ़ा सबसे पहले, उसके बाद में आपने यूनिटरी फीचर्स पढ़े, अब आपको बताना है कि इंडिया में जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या टोटल फेडरेशन है, क्या टोटल यूनिटरी है, या इन दोनों का मिक्सचर है, और कहां कहां इनकी है, जो है प्रॉब्लम्स हुई अगर पास्ट में जगह है तो कहां कहां जो है स्टेट के बीच में या कहीं प्रॉब्लम हुई है, इसका हमें थोड़ा सा देखना है. चलिए, इन द वर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट केसी वियर एक स्कॉलर है पॉलिटिकल, उनके वर्ड में अगर माना जाए, इंडियन फेडरलिज्म इज ए क्वाजी फेडरल. ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म क्या है, क्वाजी फेडरल. क्वाजी क्या होता है भाई, कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें फेडरेशन की भी स्पेशलिटीज है प्लस इसमें यूनिटरी फीचर्स भी. ठीक है, दोनों का मिक्सचर है. इंडियन फेडरेशन जो है वो क्या है, दोनों का मिक्सचर है, जिसमें फेडरेशन की भी है और यूनिटरी की भी है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि टोटली फेडरेशन वाली जो सारी शर्तें हैं या टोटली यूनिटरी वाली शर्तें, दोनों का मिक्सचर. में मैंने आपको पहले कहा था, जो ढंग की चीजें लगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपर्स को, उसने जो है उन दोनों उन्होंने जो है वो अपने अंदर अपॉइंट या जो है कलेक्ट कर ली थी. ठीक है ना, तो क्वाजी फेडरल का मतलब होता है हिंदी में इसका मतलब अर्धर, मतलब कि दोनों का मिक्सचर है, इसका भी और इसका भी. फिर इंडियन फेडरलिज्म, सॉरी, ग्रेनविल ऑस्टिन एक नया दूसरे स्कॉलर है, हैज कॉल्ड इट अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है भाई, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कोऑपरेटिव में कुछ नहीं है, जहां पे स्टेट और सेंटर आपस में मिलके काम करते हैं ताकि फेडरेशन में जो है, फेडरेशन मतलब कि यूनियन या संघ जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सके, तो मतलब दोनों कोऑपरेट करके काम करते हैं. ठीक है ना, ये बात. उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिमसेल्फ टू रिफ्यूज टू कंसिडर इट अ स्ट्रिक्टली फेडरल स्ट्रक्चर. भीमराव अंबेडकर खुद कहते हैं कि मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन या हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया है वो टोटली फेडरेशन बनाता है इंडिया को, ऐसा नहीं है. हमने जो है जो ढंग की चीज लगी जहां पे भी जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सारी अडॉप्ट की है ताकि इंडिया में जो है एकदम शांति बनी रहे, एकदम किसी स्टेट और सेंटर के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ना कोई वो टैक्स मैटर पे हो या कोई दूसरे मैटर पे भी नहीं हो, ना लैंग्वेज पे, ना रीजन के बेसिस पे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए फ्यूचर में 100 साल 200 साल तक, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना के दिया है. और वो बात भी सही है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के गया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई. हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम बीच में आई थी जब क्या थी, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट थी, उसका क्या सीन था मैं भी आपको डिस्क्राइब कर दूंगा. हाँ, मॉरिस जोन्स कंसिडर इट अ फेडरलिज्म ऑफ बार्गेन. फेडरलिज्म ऑफ बार्गेन से मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, अलग अलग चीजें जो है वो उठाई है, हमने जो है मांगी है, मतलब कि अलग अलग कंट्रीज से डिफरेंट डिफरेंट पावर्स लिए हैं और उनको अपने फेडरेशन या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया. वही बात है, क्वाजी वाली या कोऑपरेटिव वाली या बार्गेन, मतलब हमने जो है मांग के चीजें जो इकट्ठी की हुई है और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की ताकि कंट्री जो है वो अच्छी कंट्री बन सके. हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि हम या तो टोटली प्योर ऐसा हो जाए, प्योर उससे हमें कुछ नहीं, हमें यही था कि कंट्री जो है वो अच्छी बन जाए. बट इट इज ट्रू दैट इंडियन फेडरलिज्म इज प्योर फेडरलिज्म इन प्रिंसिपल. ये कहना सही है कि इंडियन फेडरेशन जो है जो इन प्रिंसिपल मतलब कि सिद्धांत के रूप से देखें, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि फेडरेशन की क्या क्या फीचर होते हैं, ये तो सारे फेडरेशन के फीचर भी हैं. तो प्योरली तो ये अगर थ्योरेटिकली देखें तो ये बिल्कुल है फेडरेशन, पर प्रैक्टिकली अगर आपने देखने जाओ तो कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलता है कि इसमें फेडरेशन के साथ साथ यूनिटरी फीचर्स भी है. ये बात फिर से सुनो, ये कह रहा है कि इंडियन फेडरेशन जो है वो फेडरेशन की सारी डेफिनेशन को, फेडरेशन की जो जो शर्तें होती है उनको पूरा करता है. तो मतलब ये थ्योरेटिकली अगर बात करें, कागज के थ्योरेटिकली मतलब कि
पेन और पेपर पे बात करें, बुक किस लैंग्वेज में बात करें कि ये फॉर्मूला होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, वो फॉर्मूला है। कंडीशन वाले सारी चीजें हमने की है, प्लस अगर प्रैक्टिकली जब इंप्लीमेंट करने की बात आई तो हमने वो फेडरेशन वाली सारी शर्तें तो रखी, साथ में हमने यूनिटरी वाली भी जो है उठा ली, ताकि क्या हो सके हमारा काम जो है थोड़ा और इजी हो जाए। टोटली हम रिजिड, मतलब कि हम एकदम कठोर होकर फेडरेशन को फॉलो नहीं करते, हम जो है दोनों का मिक्सचर करके चलते हैं, ताकि क्या हो सके हमारा काम या इंडिया जो है ग्रोथ जो है जल्दी करे और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो आपस में, किसके, गवर्नमेंट्स के। ठीक है, ये बात थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। एंड विद इन डिफरेंट डिस्टिंग्विश्ड प्लूरलिस्टिक फोर्सेस, प्लूरलिस्टिक क्या होता है, आपको अगर याद हो 10th क्लास में डेमोक्रेसी जो पढ़ी थी आपने, उसमें आपने पढ़ा था थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर एक होता है प्लूरलिस्ट, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट को जो है प्रेशर डालते हैं कि आप जो है हमारे लिए भी काम, मान लो ये है फार्मर, ये है ट्रेड, ये है कॉमर्स, ये है वर्कर्स, ये है माइग्रेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन, टीचर, स्टूडेंट्स, जो जो सोसाइटीज होती है वो सभी जो है गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है कि हमारे लिए भी काम करो। भाई आम आदमी हो आप, ठीक है, हम क्या करते हैं, आपको वोट चाहिए तो भाई हमारा भी कॉलोनी का काम होना चाहिए या हमारे भी डिस्ट्रिक्ट का काम होना चाहिए। तो इस तरह क्या होता है, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है, वो जनतंत्र होता है जहां पे हर सेक्शन की बात सुनी जाती है, जिससे क्या हो एक ऑल ओवर एक कम्युनल हार्मोनल टाइप जो है एक ढंग का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, वो होती है आपके प्लूरलिस्ट फोर्सेज या प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, एक ही बात है। इट हैज बीन वेस्टेड इन द यूनिटरी पावर्स, ठीक है, वो जो है सेंट्रल के अंदर लगती है, कैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सबकी बात सुनती है। द सेंटर हैज बीन मेड पावरफुल, सेंटर में पावरफुल है हमारे फेडरेशन के अंदर इन ऑल द एरियाज लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी, ये चारों बातें करें। कल भी हमने पढ़ा था कि कोई भी मैटर हो उसमें जो सेंटर है उसको ज्यादा पावर दिए गए हैं। क्यों दिए हुए हैं, कि ताकि जो है वो सेंट्रल अगर मजबूत रहे, सेंटर पॉइंट मजबूत रहे, बेस मजबूत रहे, तो ओवरऑल कंट्री जो है वो ढंग से आगे फ्लो कर पाए, आगे जो है प्रॉस्पर कर पाए। अगर सेंटर ही कमजोर हो जाता, पावर हो जाती ऐसे गड़बड़, तो स्टेट और जो सेंटर है वो आपस में लड़ते रहते और कंट्री जो है कहीं ना कहीं दब जाती, हमारी जो कंट्री इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाती जितना कि इसने किया। द सेंटर हैज बीन प्रोवाइडेड विद द फाइनल एंड डिसाइसिव रोल, अभी मैंने पढ़ाया सारा डिसीजन किसके पास है, सेंटर के पास है। ठीक है, कैसे, आपको पता हो तो स्टेट लिस्ट जो है उस पर जरूर स्टेट कानून बनाता है, पर अगर किसी को लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या कर देंगे, इमरजेंसी अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या हो गया है कि कोई भी स्टेट को हमने एकदम बाहर नहीं जाने दिया है, उसको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की है। जैसे कि क्लास है, क्लास के अंदर जो स्टूडेंट सारे टीचर के कंट्रोल में रहते, अगर पूरी पावर दे दी जाए कि स्टूडेंट जो चाहे मर्जी कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि चलती क्लास में या बैठी क्लास में जो है स्टूडेंट जो है वो कहे हमें बाहर जाना है, हमें पढ़ना नहीं, क्यों, क्योंकि आपने कहा ना हमें, तो हमको खुद को पावर दे रखे हैं। उस पावर को बचाने के लिए, उस चीज को कम करने के लिए पावर किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में, उस टीचर के हाथ में, वो सब स्टूडेंट्स को बांध के रखता है कि जो है अव्यवस्था डिसऑर्डर नहीं हो जाए कंट्री के अंदर या क्लास के अंदर, उस चीज को जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हो। अब बात आई समझ में, द सेंटर हैज बीन प्रोवाइडेड विद द फाइनल एंड डिसाइसिव रोल, ऑल इंडिया पब्लिक सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस, फाइनल फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा हैव बीन द मींस ऑफ सेंट्रलाइजेशन इंस्टीट्यूशनली। ठीक है, सारे इंस्टीट्यूशन को जो है सेंट्रलाइज, मतलब कि एक धागे में, एक सेंटर पे, एक क्रक्स पे पिरोने का काम किसने किया है, इस रोल ने किया है। किस रोल ने, कि सेंटर को सारे पावर दिए हुए, स्टेट कहीं पे भी जो है अपने लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, एक लिमिट के अंदर ही रहना पड़ेगा या रहना चाहिए। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए, another aspect of the federalism having the soul of unitary government has been that the state have been provided proper share and importance to various important institution. ठीक है, और अच्छी बात हमने क्या की है कि स्टेट की भी बात सुनी है, तो फेडरेशन के अंदर हमने स्टेट की भी बात सुनी है, उसके भी हमने जो है प्रबंध किए हैं, उसके भी हमने जो है चीजें जो है टूल्स जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं, कि स्टेट को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सेंटर बिल्कुल अपनी मनमानी कर रहा है, इसलिए हमने स्टेट को भी बिल्कुल राइट दिए हुए हैं कि आप अपनी बात प्रॉपरली रख सको। उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग वगैरह जो है, जहां हर चीज सुनी जाती है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। लाइक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, रीजनल काउंसिल, द पॉलिसी कमीशन,
पॉलिसी कमीशन मतलब कि नीति कमीशन की बात कर रहा है या नीति कमीशन जो है उसकी बात कर रहा है। एंड द शेयर ऑफ द स्टेट हैज बीन इंश्योर्ड विद इन द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेट के भी जो पूरे बात की हुई है कि स्टेट को जो इतना पैसा दिया जाएगा, ठीक है, कितना पैसा कहां खर्च किया जाएगा, तो पहले डिस्कस होता है स्टेट के जो मिनिस्टर्स है या जो चीफ मिनिस्टर है वो पॉलिसी मेकिंग जो नीति आयोग की जो मीटिंग होती है वहां जाते हैं, बात करते हैं कमीशन के अंदर कि इतना पैसा चाहिए, इतना रेवेन्यू चाहिए, और मिल बैठ के फिर वो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे हुए या कॉन्करेंट में जो सब्जेक्ट लिए हैं उन पर कानून बनता है। ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी से कोई कानून बनाए दे रहा है सेंटर, बिल्कुल भी इतना ऐसा नहीं है कि एकदम फ्री है सेंटर, अपने मन मर्जी से जो कर लेगा वो नहीं, सेंटर उतना ही आजाद है जितना कि लगे कि भाई पूरी कंट्री को साथ लेने में इजीनेस हो सके ऐसे, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई अगर मान लो वॉर हो जाता है, पाकिस्तान हम पे अटैक करता है, तो क्या अब हर स्टेट से पूछने जाए क्या कि जो है वॉर हो गया है कुछ कर दें क्या, कर दें क्या, कर दें, अब हर जगह पूछेंगे तो लेट हो जाएंगे ना, तो उस चीज को कम करने के लिए पावर जो है वो मेन जो यूनियन लिस्ट में लिखी है सेंट्रल अपने हाथ में ले रखी है ताकि क्या हो सके किसी भी काम में जो है फटाफट डिसीजन होके हम जो है आगे बढ़ सके, बस इसी के लिए जो है ये सारी चीजें फेडरेशन में हमने की, ठीक है। अब बात आती है कि पिछले 60 या 70 सालों में कहां कहां अगर इस फेडरेशन का जो है ये ओवरलैप हुआ है या कहीं कहीं प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है, इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं, दिमाग थोड़ा खुला रखना। चलिए, इन द लास्ट 6 decades, 6 या 7 decades, 60-70 साल कोई बड़ी बात नहीं, decades मतलब कि 10 साल, सेवरल टाइप्स ऑफ ओपिनियन अपेयर्ड रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। 60-70 साल हुए हम आजाद हुए, डिफरेंट डिफरेंट हमें जो है अनुभव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ठीक है, नए नए जो है विचार आए हैं कि हमने देखा है कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हुई है, लड़ाई हुई तो वो क्यों हुई है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में प्रॉब्लम हुई तो वो क्यों हुई है, पॉलिटिकल जो है क्लैशेस हुए वो क्यों हुए हैं, वो सब हमें देखते हुए आ रहे हैं। और अभी जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है जिसको 6 साल हो गए अराउंड, ठीक है, 5 साल वो और 1 साल ये और आगे भी 4 साल चलेगी, तो उसने क्या है काफी स्टेबिलिटी दे रखी है कि भाई स्टेट और जो सेंटर है वो आराम से काम कर रहे हैं, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम, बीच में कहीं कहीं ऐसा प्रॉब्लम आया था अराउंड 1965 के आसपास, जब क्या हुआ करता था कोएलिशन गवर्नमेंट होता है, कोएलिशन मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज की है, बहुत सी पार्टीज मिलकर जो है मेजोरिटी जब साबित करते हैं तो वो क्या करते हैं आपस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहती है, कैसे प्रॉब्लम रहती है मैं भी आपको बता रहा हूं। ऑन द वन हैंड ड्यू टू वन पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंस इन ऑल द इंस्टीट्यूशन इन द सेंटर एंड द स्टेट देर वर फ्यूअर डिस्प्यूट एंड द टेंडेंसी ऑफ द सेंट्रलाइजेशन वॉज इन वो होता है आपके फैशन या प्रिवलेंट। अब देखो जो चीज समझा रहा हूं वो आप थोड़ा ढंग से सुनना, 1950 से लेके 1965 तक मोटा मोटी रूप से बात कर रहा हूं, कांग्रेस जो थी वो इंडिया लेवल मतलब कि सेंट्रल लेवल पे उसी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। दूसरी बात, जो स्टेट थे अपने सारे वहां पे भी लगभग जो है किसकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। देखो ढंग से समझना, ठीक है, इस टाइम में कांग्रेस की गवर्नमेंट कहां थी, इंडिया लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, स्टेट में भी कांग्रेस की, क्यों, क्योंकि पार्टियां थी नहीं, इंडिया नया नया फ्री हुआ था, डिफरेंट पार्टी है, बीजेपी बीजेपी या समाजवादी कुछ नहीं थी, कांग्रेस ही थी, तो स्टेट में भी कांग्रेस ही जीती थी, सेंट्रल में भी कांग्रेस जीती थी। जब दोनों जगह, फिर से सुनना, दोनों जगह स्टेट में और सेंटर में एक ही पार्टी होगी, एक ही हिसाब से चलेंगी, एक ही आदमी के पीछे चलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये बोल देगा नहीं आपको ये करना होगा, हाँ ठीक है उन्होंने बोल दिया, क्योंकि हम एक ही पार्टी के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब क्रिएट स्टार्ट हुई,